हेलो बेटा, अभी देखो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि राइज ऑफ हिटलर है वो किस तरह से हुआ, कैसी सिचुएशन हुई थी जर्मनी की कि हिटलर को सभी महामहिम अपना सहिंसा मानने लग गए थे। तो यहाँ मैं आपको, यहाँ जो दिखा रही हूँ, यहाँ मैं जर्मनी दिखा रही हूँ आपको यूरोप के मैप में कि जर्मनी कहाँ है। देखो जो ये येलो कलर में है, येलो कलर में ये है आपका जर्मनी। देखो दिखा, ये सारा येलो कलर वाला है जर्मनी। अब उसके बाद में देखो बेटा ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है पहले, ये ऑस्ट्रिया इधर, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये इधर फ्रांस है बेटा, ये बेल्जियम है, नीदरलैंड है, इधर ये पोलैंड है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं इसके आसपास की। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आगे इसमें कुछ आपको पढ़ाने वाली हूँ। और जो व्हाइट कलर में है ये है बेटा यूनाइटेड किंगडम, यूके। अच्छा उसके बाद में जो इधर बच जाता है ब्लैक सी, और यहाँ से इस ब्लैक सी के आगे आपका क्या बच जाता है बेटा, सीधा सीधा रसिया, यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में जो जिसमें हमने पढ़ा था रशियन रिवोल्यूशन, तो वो इधर पड़ जाता है आपका रसिया, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जर्मनी के जो पड़ोसी देश है, या हिटलर ने, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से उसने अपनी पावर को रीगेन किया, तो वो सब कुछ अब हम पढ़ेंगे इसमें जो। तो अगर हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो इसमें हिटलर वाज नॉट द सिटीजन ऑफ जर्मनी, हिटलर जर्मनी का सिटीजन नहीं था। हिटलर कहाँ का था बेटा, ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जो जन्म हुआ था, ये दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ना कि जर्मनी में। बट ऑस्ट्रिया में बेटा जर्मन स्पीकर्स रहते थे मैक्सिमम। कौन रहते थे बेटा, जर्मन स्पीकर्स। मैं आपको बेटा, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बना भी लेना अपनी मैं आपको। अब देखो बेटा, अब हम इसमें आ जाते हैं कि हिटलर की सिचुएशन क्या थी, कहाँ पैदा हुआ था, ये आपको नॉर्मली देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, और उसने अपने आप को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अपने आप को किसमें एनरोल करवा लिया था बेटा, आर्मी में। आर्मी में वो एक मैसेंजर के रूप में काम करता था, मैसेज देना इधर से उधर, उधर से इधर, मैसेज देने वाले, मीन्स डाकिया हम बोल सकते हैं, या पोस्टमैन, मीन्स मैसेंजर एक्चुअल वर्ड होगा। बिकम कॉर्पोरल, बिकम कॉर्पोरल, बहुत उसकी पावर बढ़ गई थी, कॉर्पोरल तक पहुंच गया था वो, ठीक है। अर्न मेडल्स फॉर द ब्रेवरी, और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में उसने बहुत सारे ब्रेवरी के मेडल्स भी जीत लिए थे। बट डिसअपॉइंटेड था, बट वो क्या था, डिसअपॉइंटेड विद जर्मन डिफीट, वह जर्मनी के डिफीट से बहुत ज़्यादा निराश था। और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी 1919 में, उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, ठीक है। इन 1919 ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी, यहाँ से उसका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर अगर हम देखते हैं तो उसका ये कैरियर स्टार्ट होता है इन 1919 में, जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हो चुकी होती है, हालांकि वो काम पहले से कर रहा था, बट 1919 में उसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की बेटा, जर्मन वर्कर्स पार्टी, टुक ओवर इट। और ज्वाइन करने के धीरे 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 थोड़े समय के बाद में उसने उसको क्या कर लिया, कंप्लीट राइट अपने पास में ले लिया, खुद अपने उसका ओनर सा बन गया लगभग, मीन्स सारी मैक्सिमम जो चलती थी वो हिटलर की चलने लगी थी थोड़े टाइम के बाद। एंड री नेम्ड इट, और इसी जर्मन वर्कर्स पार्टी का रीनेम कर दिया, नाम बदल दिया, चेंज कर दिया, और क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाम चेंज करके उसका कर दिया, ठीक है। और वही जर्मन नेशनलिस्ट सोशल, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का ही आगे नाम बदल कर क्या हो गया था बेटा, नाजी पार्टी, ठीक है। He was a very powerful speaker and good orator, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला था वो, वक्ता भी बहुत अच्छा था, इफेक्टिव बोलता था, अपनी बातों में सभी को ले लेता था कि भाई हाँ मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। फोकस्ड टू अंडू ऑल द इनजस्टिस डन बाई द जर्मनी, और बार बार अपने जो भी स्पीच देता था, भाषण देता था, उसमें यही कहता था कि जो भी जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के टाइम पर जो भी जो हरास और ह्यूमिलेटेड जो कंडीशंस इंप्लीमेंट की गई हैं, मैं उनको सभी को क्या कर दूंगा, अंडू कर दूंगा, मीन्स दोबारा से उसको वापस ले आऊंगा सेम कंडीशन में, मीन्स उसकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है ना जर्मनी की, मैं वो वापस लेके आऊंगा। प्रॉमिस टू
बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, और उसने पब्लिक से प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा से जर्मनी को क्या करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, ठीक है, एंड वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस। वीड आउट, वीड आउट का मतलब क्या होता है, उखाड़ फेंकूंगा सारी विदेशी जो ताकतें हैं ना जर्मनी में, उसको सभी को कॉन्स्पिरेंसीज अगेंस्ट जर्मनी, और कि भाई मैं जितनी भी विदेशी ताकतें हैं ना उसको जर्मनी से बाहर उखाड़ फेंकूंगा। ऐसे ऐसे उसके जो विचार थे हिटलर के, जिसकी वजह से पूरी पब्लिक थी, पूरे जो जर्मन पीपल्स थे, वो जर्मन पीपल्स को क्या करने लग गए थे बेटा, उसके ऊपर बिलीव करने लग गए थे कि यस हिटलर ही है जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि उससे पहले मैंने आपको जर्मनी की सारी कंडीशंस बताई, यूँ सुना सकते हैं कि भाई जर्मनी में हिटलर के राइज से पहले जर्मनी की इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपके सामने है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी, सोशल कंडीशंस बहुत बेकार थी, इकोनॉमी में तो ना लोगों के पास में वहाँ पर कोई काम था, सोशल में वहाँ पर लोग आपस में लड़ाई लड़ते रहने लग गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया था, ठीक है, और क्राइम्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी, तो ये सारी कंडीशंस थी। इसी बीच में जो हिटलर आया था, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से याद करना है, ये मैंने हिटलर की बताई बेटा बैकग्राउंड क्या है, हिटलर की बैकग्राउंड, यहाँ अभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई राइट हिटलर का जो राइज है, उसकी पावर्स है, वो कैसे आई, अब उसको एक्सप्लेन कीजिए हिटलर से। यहाँ देखो कंप्लीट टॉपिक तो क्या है, राइज ऑफ हिटलर, हिटलर्स राइज टू पावर, यहाँ उसकी बैकग्राउंड बताई और यहाँ उसकी पावर्स को किस तरह से राइज हुई है वो बता रहे हैं। इन 1923 ही प्लान टू सीज कंट्रोल द बवेरिया, उसने 1923 में क्या प्लान बनाया था, बवेरिया को कंट्रोल। अभी बवेरिया कहाँ है बवेरिया बताइए, एक काम करना अपने इसमें मैप में देखो, फाइंड आउट कीजिए, और फिर उसके बाद में अरे बेटा रोमानिया है, रोमानिया, बुल्गारिया, बवेरिया, ये इन्हीं के आसपास वाले कंट्रीज थे, ठीक है। देखो इन 1923 में उसने ये कोशिश की कि पहले तो मैं बवेरिया को कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बर्लिन की तरफ मार्च करूँगा, बर्लिन फ्रांस की तरफ, सॉरी जर्मनी की तरफ, और फिर उसके बाद में जर्मनी पर अगर मैंने कंट्रोल कर ही लिया तो फिर मैं पूरी पावर को कैप्चर कर लूँगा। बट वो फेल हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, और उसको यहाँ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, हालांकि आपकी बुक में सिर्फ एक हेडिंग में समझाया गया, या अलग अलग मैं इसलिए समझा रही हूँ कि कुछ भी अगर इस पर अलग क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छे से कर देंगे। यहाँ पर उसको पकड़ लिया गया और उसको उसका जो प्लान था वो फेल हो गया, और उसको अरेस्ट करके उसको देशद्रोह ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह के आरोप में उसको जेल में डाल दिया। यहाँ हालांकि उसको 5 साल की सजा हो गई थी बेटा, 5 ईयर्स की, बट उसको देख के वो जो जेलर्स थे उन्होंने भी देखा, वो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं देश के प्रति, जर्मनी के प्रति कुछ पॉजिटिविटी आ गई थी, तो उन्होंने उसको 9 महीने में ही छोड़ दिया था हिटलर को कि भाई कोई बात नहीं, आप जाइए और अपने देश के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। इन 1928 इलेक्शंस, अब यहाँ समझने का है कि 1928 के इलेक्शन में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे रिचस्टैग में। रिचस्टैग वाज दी जर्मन पार्लियामेंट, ध्यान रखना जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था रिचस्टैग। तो रिचस्टैग में कितना परसेंट मिला था बेटा, 2.6। यहाँ याद करना बेटा, यहाँ मैंने क्या बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पर किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिलता थी मेजोरिटी, वहाँ पर क्या होता था बेटा, सभी पार्टीज को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलता था, जिसको जिसके जितना परसेंट वोट मिल जाता था राइट भी उसके पास उतने ही होते थे। तो बेटा 1928 में तो सिर्फ कितना था, 2.6%, वही 1932 में जाते जाते नाजी पार्टी में 37% वोट्स मिल गए थे रिचस्टैग में, और वहीं तक जर्मनी में जो आपकी नाजी पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी उस टाइम, ठीक है। और नाजी का जो प्रोपेगेंडा था ये बेटा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी, वैसे तो समझा देते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, मैं बाद में लिख के सेंड कर दूंगी आपके पास। नाजी जो प्रोपेगेंडा था और प्रोमिसेस थे, वो नाजी लोगों की जो नाजी पार्टी के जो मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ बेटा नॉर्डिक आर्यन पीपल्स को टॉप में मानते थे, और दूसरे जो भी अलग रेस के जो लोग थे उन लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स बॉटम में मानते थे। वो ये कहते थे जूज, JEWS होता है बेटा, जूज, जिप्सीज,
और पोलैंड के जो कुछ लोग थे, आयरिश कुछ पीपल थे, उन सभी लोगों को ये जो नाजी जो लोग थे वो लोग उनको मीन्स एक बहुत लोअर सेक्शन से मानते थे, उनको बर्डन मानते थे, तो इसलिए उन्होंने उन सभी लोगों का को मार दिया। और नाजी पार्टी के प्रचार में ही, प्रचार और प्रसार में उन्होंने मीन्स नए नए तरीके से उनका प्रचार करते थे, नए स्टाइल के से पॉलिटिक्स करते थे, मास रैली मैसिव रैलीज करते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते थे, बहुत बड़े लेवल पर उनकी ऐसी ऐसी मूवीज बना देते थे कि नाजी, जिनमें नाजियों को बहुत अच्छे लेवल पर दिखाया गया था और जितने अलग थे उनको बहुत बेकार तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये उनकी कुछ प्रोपगेंडा थी, कुछ प्रचार करने के तरीके थे, मूवीज बना देना, कुछ होर्डिंग्स लगा देना, कुछ आर्टिकल पब्लिश करवा देना, तो इस तरीके से। तो उसके जो प्रोपगेंडा थे नाजी पार्टी के, वो तो बहुत मीन्स नॉर्डिक आर्यन पीपल्स के फेवर में थे बेटा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर बेटा एक मैं छोटा सा टॉपिक आता है, ये याद करने का है, इम्पोर्टेंट है, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अभी मैंने इससे पहले मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ मैंने बताया था आपको कि 1932 इलेक्शंस में नाजी पार्टी को 37% वोट मिल गए थे, ठीक है, जर्मनी में। यहाँ इसका मतलब क्या था, वहाँ जर्मनी में सबसे बड़ी पार्टी 1932 के इलेक्शंस में कौन सी बन के आई थी बेटा, नाजी पार्टी। ठीक है, अभी देखो, अब सबसे बड़ी पार्टी थी तो सबसे बड़ी जो मेजोरिटी जो पार्टी होती है उसी पार्टी के हेड लीडर को वहाँ पर चांसलर बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए इसी तरह से सेम जर्मनी में क्या होता है बेटा, चांसलर। इसीलिए 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड चांसलरशिप टू हिटलर, हिटलर को चांसलर बना दिया। वन वर्ड के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई, हिटलर चांसलर कब बना था, 30 जनवरी 1933 किसने ऑफर किया था, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने। एंड हिटलर स्टार्टेड डैमेजिंग द डेमोक्रेसी, और यहीं से हिटलर ने क्या कर दिया था बेटा, डेमोक्रेसी को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो उसने क्या क्या किया था, पहला पॉइंट उसने क्या किया, मिस्टीरियस फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट, एक रहस्यमयी तरीके से उसने ना जर्मन की पार्लियामेंट थी ना उसमें आग लगवा दी, क्योंकि हिटलर का मेन काम क्या था, क्या चाह रहा था वो, कि अपोजिशन वाली कोई भी पार्टी उनके सामने बोले ही नहीं, इसलिए उनको बंद करने के लिए भाई, और आरोप किस पर लगवा दिया, जो आग लगवा दी और आरोप लगा दिया अपोजिशन वाली जितनी भी पार्टीज थी ना उन पर, और फिर उसके बाद में उनको किसी भी तरह से ट्रीजन के आरोप में उनको जेल में डाल दिया, या उनको बीहेडेड कर दिया जाता था, या उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था। फायर डिक्री, और उसके बाद में फायर डिक्री मीन्स ऐसा रूल कुछ निकाल दिया, और वो फायर डिक्री कब निकाला था, ये बेटा फायर वो वाली आग वाला नहीं है ये, यहाँ पर फायर डिक्री ऑफ 1928 फरवरी 1933, और ये डिक्री मीन्स अपना एक खुद रूल बना दिया, और रूल क्या था, सस्पेंडेड सिविल राइट्स सच एज फ्रीडम्स ऑफ स्पीच प्रेस असेंबली, इन सारे राइट्स का क्या कर दिया बेटा, सस्पेंड कर दिया, कि सिविल सिटीजन्स या कॉमन पीपल्स हैव नो राइट्स नाउ। यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, भाई डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है सीधे सीधे, डेमोक्रेसी तो मिल दिख ही नहीं रही यहाँ पर अभी कभी, कंसंट्रेशन जो भी लोग इसके अपोज में थे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सुधार घर है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सुधारना, बट यहाँ कंसंट्रेशन का काम मतलब है, जर्मनी में कंसंट्रेशन का काम मतलब है, या हिटलर के नज़र में कंसंट्रेशन का मतलब क्या था बेटा, फाइनल सॉल्यूशन, मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों को एक बड़े बड़े चैम्बर्स में बंद करके और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, वहाँ पर लोगों को मार दिया जाता था ताकि लोगों का दम घुट जाए, वहीं मर जाए, तो कंसंट्रेशन कैंप्स का मतलब ये होता था वहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें क्या दिख रहा है बेटा, ये दीज पॉइंट्स शोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन जर्मनी। ठीक है, फिर उसके बाद में अनेबलिंग एक्ट पास्ट, एक अनेबलिंग एक्ट पास कर दिया वहां पर। अच्छा, ये अनेबलिंग एक्ट क्या था, ये पहले तो वन वर्ड के लिए भी, अनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 को पास हुआ था। देखो कितनी जल्दी, फरवरी में तो जनवरी में ही इलेक्शन थे, फिर जनवरी में ही 1933 में वो प्रेजिडेंट बना था, उसके बाद में जस्ट अनेबलिंग एक्ट भी पास कर दिया, और कितने सारे पॉइंट्स और दिया,
मीन्स यहाँ ये देख के ये लग रहा है कि जैसे हिटलर था, हिटलर के दिल में बहुत गुस्सा था कि बस किसी तरह से बहुत जल्दी जर्मनी की जो कंडीशंस थी ना, जर्मनी की जो इज्जत थी ना, उसको वापस लेके आना है मुझे, जर्मनी की इज्जत को, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रहा था। तो ये अनेबलिंग एक्ट का बेटा क्वेश्चन अलग भी याद कर सकते हो, अलग भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आता है बहुत बार ये क्वेश्चन, तो इसको या तो अलग याद कर लेना या इसमें भी आ जाए, इसमें भी लिख सकते हो कि भाई हाउ यू से दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी वाज स्टार्ट आफ्टर आफ्टर बिकम द चांसलरशिप ऑफ चांसलर ऑफ हिटलर टू द जर्मनी। जर्मनी का वो हिटलर जब चांसलर बन जाता है, उसके बाद में डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो तुम कैसे कह सकते हो? तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। या सिंपल अनेबलिंग एक्ट आ जाए तो वो भी आप कह सकते हो। अब देखो अनेबलिंग एक्ट क्या था, अनेबलिंग एक्ट पास हुआ था 3 मार्च 1933 को, और ये क्या था बेटा अनेबलिंग एक्ट, एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। क्या सेटअप हो गया था बेटा? डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। अब डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, हिटलर साइड लाइन दी पार्लियामेंट, हिटलर ने पार्लियामेंट वगैरह को सब कुछ क्या कर दिया था, साइड लाइन कर दिया था, और यहाँ पर रूल ऑफ डिक्री था, मीन्स कही हुई बात ही बस अब फाइनली हो गई कि भाई उन्होंने जो बोल दिया वही लॉ बन गया, कानून बन गया, उसके लिए किसी पार्लियामेंट में डिस्कशन की जरूरत नहीं थी, उन्होंने बोला वही फाइनली लॉ हो गया, रूल ऑफ डिक्री स्टार्ट हो गया था। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस पर बैन, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया था, सभी ट्रेड यूनियंस पर बैन लगा दिया था एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। भाई केवल नाजी पार्टी और नाजी पार्टी के कुछ जो मेंबर्स थे ना, जो एफिलिएटेड थे, उनके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकता था, कोई भी यूनियन ट्रेड यूनियन से अलग से सेटअप नहीं कर सकता था, सब पर बैन लगा दिया था। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स हिटलर, सब कुछ किसके अंडर में आ गया था, किसके कंट्रोल में आ गया था बेटा? हिटलर के। तो ये था बेटा अनेबलिंग एक्ट, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो बना के डालते हैं बेटा इस वीडियो में, इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि अगर हिटलर ये सब कुछ कर रहा था तो भैया वहाँ के कॉमन पीपल्स क्या कर रहे थे, क्या वो सारे लोग खुश थे इस चीज से, इन सब के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।